सारी नेगेटिव एनर्जी से आपका साथ छूट जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत बड़ा वहम टूट जाएगा। माइक टेस्ट ABBY। हमारे देश में 99% लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। उनकी ड्रीम कार बस ड्रीम कार ही रह जाती है, उनका बिजनेस प्लान सिर्फ प्लान ही रह जाता है, उनके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ की जगह कई बार 1,000 रुपए भी नहीं होते, क्योंकि वो सब लोग इतना डरते हैं फेल होने से, अपना मजाक बनवाने से, कि रियल लाइफ में वो अपना स्टैंड ही नहीं ले पाते। वो सब लोग अपने करियर का चुनाव भी प्रेशर में आके और डर से करते हैं। आप सिर्फ वही करते हो जो सेफ है, आप वही करते हो जिसमें कोई रिस्क नहीं है। आप पेन नहीं लेना चाहते, आप रिस्क नहीं लेना चाहते। आप स्कूल जाते हो क्योंकि सब जाते हैं, आप जॉब करते हो क्योंकि मैक्सिमम लोग वही कर रहे हैं, आप शादी करते हो, बच्चे होते हैं क्योंकि सब लोग वही कर रहे हैं। यार मुझे समझ नहीं आता कि आपके लिए ये सारे रूल्स कौन बना रहा है, और कौन है वो लोग जो आपको हर रोज ये बताते हैं कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात आप उनकी क्यों सुन रहे हो यार? क्या आपके पेरेंट्स ने वो सब कुछ अचीव कर लिया है जो आप करना चाहते हो? क्या आपके टीचर्स के पास वो सब कुछ है जो आप हासिल करना चाहते हो? क्या आपके रिश्तेदार या पड़ोस वाले मिश्रा जी अपनी लाइफ को 100% एंजॉय कर पा रहे हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं फालतू का? चलो यार मान लिया कि वो सब लोग आपका भला सोचते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तभी आपको ये सारे रूल समझा रहे हैं, वो सब कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको कैसे एडवाइस कर सकते हैं जब उन्होंने वो सारी चीजें खुद अचीव नहीं की जो आप अचीव करना चाहते हो? आप उनकी लिमिटेड सोच से अफेक्ट होके कुछ रिमार्केबल, कुछ ग्रेट करने से खुद को क्यों रोक लेते हो? अब सुनो, रुको और थोड़ा सोचो। अपने दोस्तों को देखो, अपनी फैमिली को देखो, उन बुक्स को जो आप पढ़ते हो, उन वीडियोस को जो आप देखते हो, वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो आपने ज्वाइन कर रखे हैं, वो सारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस जिन्हें आप फॉलो करते हो। आप सबके पास बहुत सारा टैलेंट है जिसे आप यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो माहौल आपको पीछे खींच रहा है जिससे आप घिरे हुए हो। अंदर ही अंदर आप कुछ करना चाहते हो, ऊपर उठना चाहते हो, लेकिन वो एनवायरनमेंट आपको फिर नीचे गिरा देता है। आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, किसी मोटिवेशनल सेमिनार में जाते हो, या फिर कोई इंस्पायरिंग बुक या फिर मूवी देखते हो, और अंदर से एक चुल मस्ती है कुछ करने की। ऐसा लगता है कि आप भी कुछ कर सकते हो, ऐसा लगता है कि आपके सारे ड्रीम्स पॉसिबल है, ऐसा लगता है कि आपका टैलेंट भी वैल्यूएबल है, आपको खुद पे यकीन होने लगता है, और फिर अगले दिन जब आप सो के उठते हो तो वापस उसी जगह पे होते हो जहाँ से सब कुछ शुरू किया था। आपका माहौल आपको वापस वहीं पे लाके पटक देता है। यार आपको आज ही डिसाइड करना होगा कि क्या आपको अपनी जिंदगी जीनी है या फिर अपनी जिंदगी को किसी और की प्लानिंग के हिसाब से चलाना है। आप इंसान हो यार, समाज की कठपुतली नहीं। जो लोग आपकी काबिलियत पे यकीन नहीं करते, आपके हेटर्स, वो सब लोग जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं उखाड़ पाए, उनकी बातें सुनना छोड़ दो यार। अगर किसी ने वो काम कभी किया ही नहीं जो आप करना चाहते हो, तो उनकी एडवाइस की भी कोई वैल्यू नहीं है। यार वो कौन होते हैं आपको रास्ता दिखाने वाले? अगर करना ही है तो वो लोग जो कहते हैं उसका उल्टा करो, क्योंकि आपको उनकी तरह नहीं जीना, वैसी जिंदगी आपको नहीं चाहिए यार। अगर आपको एक शानदार जिंदगी चाहिए तो जिंदगी में कुछ ऐसा करना होगा जिसमें आप शानदार हो। जरूरत है तो बस एक शुरुआत की। अपने दिमाग की जगह आज से दिल से सोचना शुरू करो, अपने पैशन को फॉलो करो यार। आपका दिल आपको उस